Awesome. Welcome back to our channel Marketing Khabar. मैं हूँ आपकी होस्ट ग्रेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिससे आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पैसे कमा सकते हैं। जानना चाहते हैं कि ये क्या है? वीडियो को एंड तक देखना ये जानने के लिए कि कैसे आप कुछ ही समय में बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की। काफी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड तो पता है, लेकिन ये क्या है, कैसे होता है, इसमें क्या बेनिफिट्स है, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो आइए बिना देरी करे हम जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और कैसे इससे हम बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, इस बिजनेस को काफी नामों से जाना जाता है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। काफी लोग हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि नेटवर्क मॉडल में काम कर रही हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो इस वीडियो में आप आज समझेंगे। अगर मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताऊं सिंपल शब्दों में, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक मार्केटिंग मॉडल है। इस मार्केटिंग मॉडल के थ्रू कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर्स तक पहुंचाती हैं। ये ऐसा मार्केटिंग मॉडल है जो कंपनीज लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए यूज करती है। ये बहुत सिंपल है समझना कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी खेल है वो सारा वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन है। ये वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हमेशा से ये वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन करते आ रहे हैं। कैसे, आइए समझते हैं। आपने कभी कहीं पे कुछ खाया, किसी रेस्टोरेंट में आपको वहाँ का खाना अच्छा लगा, आपने फिर अपने दोस्तों को या रिलेटिव्स को बताया कि वहाँ का खाना अच्छा था और आपने उनको रेफर किया कि वो भी वहाँ जाकर खाए। ये हो गई वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। लेकिन क्या आपको इस प्रमोशन के पैसे मिले? नहीं मिले। तो फिर मान लीजिए कि आपको मूवी देखने गए, आपको मूवी बहुत पसंद आई और आपने सबको बताया कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आपको ये करने के पैसे मिले? क्या आपको कोई इनकम आई? नहीं। ये चीज आप बचपन से ही करते आ रहे हैं। कहीं का मीठा पसंद आया आपको, आपने बताया कि वहाँ का मीठा खाए, तो आपने प्रमोशन तो कर दिया, लेकिन आपको इस चीज के पैसे नहीं मिले। अब जो ये नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है वो क्या कहता है? नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल कहता है कि अगर आपको कुछ पसंद आता है और आप उसकी बात करते हैं या आप वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन करते हैं, तो उसके लिए आपको कमीशन मिलेगी। अब इसमें एक और एडवांटेज क्या है? ये तो हो गया कमीशन बेस्ड मॉडल। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आइए समझते हैं। अगर मैंने आपको एक चीज जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं उसके बारे में बताया, एक प्रोडक्ट रेकमेंड किया, आपने वो प्रोडक्ट यूज किया और आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखे, तो आपने आगे अपने दोस्तों को रेकमेंड कर दिया। आपने जिनको रेकमेंड किया उससे कंपनी को तो फायदा हुआ, उनकी तो सेल हुई, लेकिन यहाँ पर आपको क्या फायदा हुआ? आपने प्रमोशन करी, आपके दोस्त ने खरीदा, आपको उसकी कमीशन मिली, लेकिन जो थर्ड पर्सन ने खरीदा उसकी कमीशन तो आपके पास नहीं आई, तो आपको तो कोई फायदा नहीं हुआ। पर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके नेटवर्क के अंदर जो भी कंपनी की सेल्स शुरू होगी उसके लिए कंपनी आपको एक परसेंटेज दे देगी। आप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और आपसे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी टर्नओवर आएगा, उससे आपको कुछ परसेंटेज के हिसाब से इनकम आएगी। ये परसेंटेज कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। हर कंपनी के अपने अलग अलग मार्केटिंग प्लान्स और कॉम्पेंसेशन प्लान्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी आपको एक परसेंटेज या पैसे देती है। एक चैनल बन जाता है और उस चैनल के अंदर सेल्स होती है। इसका पैसा आपको तब मिलता है जब कंपनी की सर्विस नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू फ्लो होती है। अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि किस टाइप की कंपनीज मार्केट में होती है। मार्केट के अंदर दो टाइप्स की कंपनीज होती है, एक होती है लीगल नेटवर्क मार्केटिंग और एक होती है इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग। जो कंपनी आपको टर्नओवर आने पर पैसा देती है वो लीगल नेटवर्क मार्केटिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ आता है आपके प्रमोशन से और आपकी परसेंटेज 10% तक है, तो आपको उस टर्नओवर में से 10 लाख मिलेंगे। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। पर कुछ ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो सिर्फ जोड़ने का पैसा देती हैं।
या फिर ये कंपनीज में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी होती है या फिर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का वादा किया जाता है, ये पॉन्जी स्कीम बन जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में और पॉन्जी स्कीम में फर्क समझते हैं। अगर आपके पास प्रमोशन करने के बाद टर्नओवर आने के बाद पैसा आ रहा है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ पर आप पहले प्रमोशन करेंगे, कंपनी को आपके प्रमोशन से टर्नओवर आएगा, उस टर्नओवर से आपको आपकी परसेंटेज हिसाब से इनकम मिलेगी। और पॉन्जी स्कीम देखें अगर तो वहाँ पे कंपनीज आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं, आप ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास पैसा आ रहा है या इनकम आ रही है, इसे पॉन्जी स्कीम कहेंगे। और अगर ऐसा कहीं होता है तो आप वांड रहे हैं। तो अब हमने समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग में वर्ड ऑफ माउथ से प्रमोशन होता है। अब आपने 10 लोगों को एक सर्विस के बारे में बताया, उन 10 लोगों ने आगे और 10 लोगों को बताया तो हो गया 100 लोग। अब ये 100 लोग आगे और 100 लोगों को बताएंगे तो हो गया 10,000 लोगों का प्रमोशन। ये जो प्रमोशन होते हैं ये कंपनी के लिए कंपाउंडिंग ग्रोथ लेकर आते हैं। जो भी ये मार्केटिंग मॉडल में सेल्स शुरू करता है उसे भी कंपाउंडेड ग्रोथ मिलती है कमीशन से। और यहाँ पर भी एक मिथ है, ये मिथ ये है, लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति सबसे पहले ये शुरू करता है सबसे ज्यादा पैसा भी वही कमाता है। ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो आज शुरू कर रहा है वो भी उतनी ही इनकम अर्न कर सकता है जितना कि कोई और कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में परसेंटेजेस होती है, आप जो भी अर्न करेंगे एक परसेंटेज के हिसाब से करेंगे। इन परसेंटेजेस के भी लेवल्स होते हैं, हर इंसान को उनकी लेवल के हिसाब से एक परसेंटेज मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप आज भी शुरू करते हैं तो आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है किसी और के जितना पैसा कमाने। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अगर बहुत पैसा कमाने आए हैं तो ये बहुत ही अच्छा जरिया है, क्योंकि यहाँ कंपाउंडेड सेल्स होती है तो कंपनी का टर्नओवर आता है और टर्नओवर से कंपाउंडेड कमीशन आते हैं। आप अगर कम वक्त में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कोई और प्रोफेशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम क्या होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम आती है। आप अगर कभी कोई बिजनेस शुरू करोगे और इन्वेस्टमेंट छोटी होगी तो आपको खुद ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास अगर एक बड़ा बिजनेस होगा तभी पैसिव इनकम आएगी। ये पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो आप काम करो या ना करो इनकम आती है। आपने एक बार मेहनत करी और अब आप बैठे हैं और आपके पास इनकम आ रही है। मगर एक्टिव इनकम के लिए आप रोज मेहनत करते हैं, आपके पास जॉब है, आप रोज जॉब पर जाते हैं, रोज मेहनत करते हैं और सैलरी के रूप में आपके पास इनकम आ रही है, इसे एक्टिव इनकम कहते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं मेहनत करते रहें और पैसा आए तो आप जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एज अ प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपने एक बार मेहनत करके टीम बना ली, अब आपके पास इनकम आती रहे, तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा जरिया है पैसे कमाने। आप एक मार्केटिंग मॉडल बनाएंगे, आप उसमें एक टीम बनाएंगे, फिर आपके परसेंटेज के हिसाब से आपके पास इनकम आती रहेगी। आपकी टीम आपको वो इनकम जनरेट करके देती रहेगी और ये होगी आपकी पैसिव इनकम। जो हमने आज समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है वो ये कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी कंपाउंडेड ग्रोथ होती है, कंपाउंडेड कमीशन आती है। आप काफी जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और आपकी पैसिव इनकम आती रहेगी आपके परसेंटेज के हिसाब से। नेटवर्क मार्केटिंग से आपको भी फायदा होता है और कंपनी का भी फायदा होता है। कंपनी को कैसे फायदा होता है? कंपनी ने आपकी कमीशन सेल्स होने के बाद दे दी, प्रमोशन हुआ, सेल्स हुई, टर्नओवर आया, फिर आपके पास आपकी इनकम। अगर आप बाजार में देखें तो आप समझ सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट पहले आता है फिर सेल्स होती है। एग्जांपल ले लेते हैं मोबाइल फोन्स का। कंपनी पहले एडवर्टाइज करने में पैसा लगाती है फिर उनके मोबाइल बेचे जाते हैं, तो यहाँ कंपनी के पैसे महीने लगते हैं और बाद में इनकम आती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पहले सेल होते हैं और फिर उनको पैसा देना होता है, यानी कि आपकी कमीशन देनी होती है। इससे कंपनी का फायदा और जो व्यक्ति प्रमोशन कर रहा है उसका भी फायदा होता है।
वो व्यक्ति को एक परसेंटेज पे कमीशन मिलता है तो वो काम करे चाहे ना करे, उसके पास कमीशन आ ही रही है। तो ये फायदे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें दी गई सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखें, सीखते रहें। सी यू सून, बाय बाय।